आज हम निकले हैं यमुनानगर जाने के लिए और अब हो रहा है 9:18 टाइम। मुझे जाना है सहारनपुर जहाँ पे मुझे काम है, मेडिग्राम हॉस्पिटल जाना है मुझे। उसके बाद हम नीति को ड्रॉप करने यमुनानगर जाएंगे और उसी के साथ हम करेंगे, हमारा पूरा गैंग है इसलिए हम बहुत सारी मस्ती धमाल भी करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम जा रहे हैं, पूरा गैंग हमारा जा रहा है यमुनानगर नीति को उसके हॉस्टल में पहुंचाने के लिए। और बोल रही है हॉस्टल जाने तो मुझे, फिर मैं देखना कैसे ड्रामा करूंगी, वही रो रो के खप्पर भरूंगी। अब हम सीएनजी पंप पे आ गए हैं क्योंकि हम लोग यमुनानगर जा रहे हैं तो वहाँ के रास्ते में कोई नहीं पड़ता बीच में, और तो अभी हमें फिल कराना पड़ेगा। और जब सीएनजी डलवाते हैं तो सब बाहर ही खड़े होते हैं गाड़ी से, और ये हम खड़े हैं और हमारा ये हमारी हीरोइन है इधर और एक बॉय गैंग। और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा, हम लोगों ने आधे घंटे से भी ज्यादा यहाँ पे वेट किया है, इतनी लंबी लाइन थी। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ही लंबी लाइन लगी हुई है। किथे चली उतर कर, किथे चली उतर कर गड्डी से। अभी हम तीनों को छोड़कर ये दोनों बंदे जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, हम सारे अभी यहीं बाहर ही वेट करेंगे क्योंकि हम सारे नहीं जा सकते हॉस्पिटल में। और हम यहाँ उतरे थे मन्नत ढाबे पर खाना खाने के लिए, लेकिन इसी के साइड में इसी का एक पार्ट था जहाँ पर कुछ एंटिक पीसेस वगैरह थे, जैसे मिट्टी के बर्तन कितने अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पर स्पेशली कुकर था एक, और हम आए हैं यहाँ रास्ते में मन्नत ढाबे पर, और यही हमको अभी दोपहर का करना है लंच। वैसे हम लंच अपना थोड़ा सा लेकर भी आए थे, राजमा राइस हमने रास्ते में खा लिया था हॉस्पिटल जाने से पहले। और बाकी गैंग भी आ चुका है। क्या बात है नीति, यहाँ पे फोटो खिंचवा अपने का प्रचार कर। ढाबे पर अंदर बैठकर अब हम कर रहे थे डिसाइड कि सब्जी कौन कौन सी लेनी है, क्या क्या खाना है हमें लंच में। फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि एक कढ़ाई पनीर, एक दाल तड़का और एक सेव की सब्जी ले लेते हैं, और साथ में ले लेते हैं एक मतलब जो फुलका होता है फुलका रोटी, वो ऑर्डर दिया था साथ में। बस फिर हमने मंगवा लिया भैया को ऑर्डर देकर। बस ये है कढ़ाई पनीर कढ़ाई में, और ये है दाल तड़का, और ये है सेमी की सब्जी, ये मतलब ये सैलेड, और ये फुलका तवा फुलका, और ये हमारी खाली प्लेट, ये सब, और ये हम सब अब हुआ है कम्प्लीट। ये रहा हमारी डाइनिंग टेबल का हाल, खाने खाना आते ही टूट पड़े और ये हाल करके कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं बचाया। सबसे ज्यादा इसी ने खाया, मैंने ढाई रोटी खाई, बाकी सब्जी मेरे, मैंने पनीर बहुत सारा खाया, कढ़ाई पनीर यहाँ का बहुत टेस्टी था। हाँ खाना अच्छा था, तीनों सब्जी अच्छी थी। ये भाई था भाई जिसने हमें खाना अच्छा सारा खाना खिलाया, नहीं मस्त था, अच्छा था खाना, सारा फिनिश हो गया। नहीं तीन पेट भरे हुए थे और दो भूखे थे। ये कहना चाहती है हमने कहा ये सुनो क्योंकि हमने तीन बाई मिस्टेकली यमुना रिवर के पास
क्योंकि हमारा रास्ता ये नहीं था, हम गूगल के थ्रू जा रहे थे, बट नीति ने बोला कि ये वाला रास्ता नहीं, दूसरी रोड है, दूसरी रोड पे चढ़ते ही हम इस पुल से इस रिवर के पास पहुंच गए। फिर क्या था, सब उतर उतर कर बस इंजॉय करने लगे, यहाँ पर देखने लगे, यार पानी बहुत ज़्यादा था, देखकर इतना पानी मुझे तो थोड़ा डर लग जाता है, और मतलब इसके पास जाने में थोड़ा रहता ही है कि पैर वैर अगर थोड़ा सा भी चूक जाए तो भाई इंसान मिले ही ना, तैरने वाला ही जिंदा रह सकता है, हमारे जैसा तो नहीं कोई जिंदा बच सकता। और फिर आदित्य को पता नहीं क्या सनक सी उठी, वो तो आगे तक पहुँच गई। वहाँ पर एक वैसे पेड़ था, बस ये पेड़ था बिल्कुल यमुना के बिल्कुल एक बराबर में, बाकी कुछ नहीं था। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? मैं अच्छी जगह लेके आई हूँ और ये मुझे पूरे रास्ते सुना रहे हैं गलत ले आई। नहीं नहीं बहुत अच्छा रास्ता। चले अब चलो बस, तुम आगे चलो ना। We've got to fight to find a way. और बस रिवर के पास हम 10 मिनट खड़े होकर ठंडी हवा लेकर अच्छे से देख कर कि पानी कैसे कंटिन्यू जा रहा था डीपली, और थोड़ा पेड़ की छाया में खड़े होकर, वो कीकर का पेड़ टाइप लग रहा था मुझे तो, फिर हम चल दिए नीति को छोड़ने के लिए आगे। यहाँ से निकलते ही अदिति ने बोला मुझे हंगरीज पर लेकर चलो, मुझे वहाँ का जब तक खाना नहीं मिलेगा मैं तब तक शांति से नहीं बैठूंगी, मेरा ढाबे के खाने में कुछ नहीं होता, मुझे हंगरीज का तब तक नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ऑर्डर देने वाला सिर्फ एक मेंबर था, वो थी अदिति, क्योंकि हम सब बिल्कुल कोटा फुल किए हुए थे, और इसने दिया पिज़्ज़ा एंड हमने दिया ओरियो शेक। सब ने पिज़्ज़ा ऑर्डर देने के बाद तुरंत आ गया था, और शेक के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा था, तो हम बैठे रहे। उसके बाद अजीजी ने बोला आप सब भी खा लो, सब ने एक एक स्लाइस ली, बट मेरे पेट में बिल्कुल भी, वैसे भी ये डबल चीज़ था, मैं चीज़ को देखते ही मेरा पेट तो और ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ही फुल टूस पैक है। और हमारा हो गया अब खाना पीना शुरू, क्योंकि हमारा शेक भी आकर रखा गया है, और अब हम करने वाले हैं इसको इंजॉय। फाइनली नीति को इसके हॉस्टल में लाकर पटक दिया है। अरे नहीं, हम नीति को बड़े लाड प्यार से दुलार से लेकर आए हैं और उसको उसके हॉस्टल में ले आए। Just admit that you're just afraid. और टाइम हो गया है 3:09, और नीति को हमने पूरे 3 बजे इसको देकर आ गए थे। अभी हम थोड़ी सी देर पहले बैठे हैं और पानी वानी पिया है तो अभी हम थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं। और नीति ने परमिशन भी मांगी है कि मुझे मेरे हॉस्टल के रूम तक हमें भैया भाभी को और अपनी बहन को लेकर दें, लेकिन टीचर ने कोविड के चलते हुए नो एंट्री का बैन लगा दिया कि कोई नहीं जा सकता है रूम में, तो हम यहीं विजिटर रूम में रुके हुए हैं और थोड़ी सी देर रेस्ट करके फिर हम निकलेंगे घर के लिए। इसी कलर के कपड़े पहन के आए थे कि नीति का रूम साफ करा देंगे, तेरी मैम ऐसी निकली वो एंट्री नहीं देती, तो हम क्या कर सकते हैं, अब तुझे ये अकेले को करना पड़ेगा। नीति एक बार बाय तो कर दे, बाय हाजरी। पक्का करके आज वो पीछे घूम कर नहीं देख रही थी, क्योंकि अगर एक बार भी वो पीछे मुड़ कर देखती तो वो रो ही पड़ती। फाइनली हमने नीति को छोड़ दिया उसके हॉस्टल, अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और अब हम वापस जा रहे हैं मुजफ्फरनगर। कैसा लग रहा है? बहुत बेकार लग रहा है ना, उसके बिना तो हम खाली सी हो गई, गाड़ी भी खाली हो गई। दो आदमियों की जगह थी, एक आधी सीट पे उसका बैग था और एक सीट पर वो खुद बैठी थी, अब तो खाली खाली हो गया। कोई नहीं, स्टडी तो करनी है बच्चे को, सारी चीज देखनी पड़ती है।
पता नहीं क्यों चलते चलते गाड़ी एक तरफ को भाग रही थी, और अभी चेक कराया तो अलाइनमेंट जो है वो पूरी बिगड़ी हुई है। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स हाफ एन आवर कह रहे हैं, हाफ एन आवर में ठीक हो जाएगा। मैं हूँ फिलहाल यमुनानगर सीएट शॉप पे, पर ठीक है, देखो अगर ये गाड़ी ठीक कर देते हैं वो, मतलब गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे तो बेटर है ना, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कम से एटलीस्ट वो रास्ते में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। नीति को छोड़कर आने में हमें बच गए थे पूरे 7, और उसके बाद आकर हमने बनाया डिनर और खाया। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों बच्चों की पूरे दिन की स्टडी पूछी और उनको फिर बाद में स्टडी कराई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का व्लॉग यहीं पर करती हूँ ख़त्म। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट मी।